दिया है काम। मैंने बोला इतनी हट्टी खट्टी बॉडी है, जरा इसका यूज भी किया कर कभी, बस ये खाने के लिए थोड़ी है। तो हिंदी में इन्हें मीठे परांठे बोलेंगे, बाकी हमारी पहाड़ी भाषा में इन्हें छोला रोटा बोलते हैं। और आज मेरे आने की खुशी में यहाँ पे जीजा जी बना रहे खाना, तो जीजा जी को इतना प्यार शाली पे है। जी जी नाराज होगा, कल आएगी ठीक है? कल आऊंगी ठीक है, कल आ जाएगी मौसी ठीक है। बाकी मुझे खाना बनाना नहीं आता, अब यहाँ मजबूरी है क्या मतलब। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से, और अभी मेरी तैयारी हो रही है नाश्ता बनाने की। बाकी दीदी तो सुबह चली गई थी ड्यूटी, पता नहीं कितने बजे गई, मैंने टाइम नहीं देखा, वो मुझे उठा के चली गई थी ड्यूटी। बाकी अभी मुझे नाश्ता बनाना है, और थोड़ी देर में शिशु लग के और सौरभ को स्कूल छोड़ने जाएगा, और शिशु तो भाई बाद में जाएगा, तो अभी पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ। और अभी मुझे पता भी नहीं है नाश्ते में क्या बनाना है, आज दीदी जल्दी जल्दी में चली गई और मुझे बताया नहीं। और अभी तक मैं गांव में रहती, तो गांव में सबसे पहले छन्नी में जाना था, लेकिन यहाँ तो छन्नी का चक्कर है नहीं, यहाँ पे बस अंदर ही अंदर खाना पीना बस यही काम है। तो पहले नाश्ता बनाएंगे और फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे शौर्य लक्की भी हो गए स्कूल के लिए तैयार, तो लक्की बाय 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 शौर्य, चीजी लेके आना मेरे लिए स्कूल से ठीक है? मामा नहीं लाता चीजी, नहीं लाता मामा चीजी? लाते हैं, लाते हैं, मम्मी भी लाती हैं। अच्छा जाओ फिर ठीक है, बाय बाय बोल दे, बाय बाय। तो शौर्य और लक्की को तो मैंने स्कूल भेज दिया, बाकी यहाँ पे मैं और शिशु बैठ सके, तो अब हम दोनों भी नाश्ता करेंगे और बताते हैं आज नाश्ते में मैंने क्या बनाया। तो नाश्ते में मैंने बनाई ये आटे की मीठी रोटी, तो सौर्य और शिशु बोल रहे हैं मीठे परांठे हैं, तो लो लेने दो। तो हिंदी में इन्हें मीठे परांठे बोलेंगे, बाकी हमारी पहाड़ी भाषा में इन्हें छोला रोटा बोलते हैं। तो छोले रोटे और उनके साथ बनाई ये कड़क वाली चाय। अब जहाँ पहाड़ी होंगे वहाँ चाय तो बनना ज़रूरी है। तो भाई साहब नीचे आइए और नीचे बैठ के खाइए, आ जाइए। तो कैसे लगते हैं फिर आपको मीठी रोटे? बहुत अच्छे लगते हैं। अरे भूख लग गई हमारे लिए प्लेट में, रुको एक मिनट। तो शिशु के लिए मैंने एक स्पेशल रोटी बनाई है एक गप्पा। तो नाश्ता स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद और काम करेंगे। बज रहे और अब जाके मेरा सारा काम निपट गया, जो जो काम मिला था, और नहा धो के मैं रेडी भी हो गई। रेडी क्या हुई, और मैं ज़्यादा कपड़े भी नहीं लाई थी, तो इसलिए मुझे शिशु की टी शर्ट पहननी पड़ी और बाकी पजामा भी दीदी का ही है। तो मैंने सोचा तो 2-4 दिन के लिए जाऊँगी, वैसे भी कम ही दिन के लिए आई थी, और फिर यहाँ पर कपड़े नहीं लाई थी मैं ज़्यादा, तो यहाँ पर यही कपड़े पहनने पड़े। और तो फटाफट से अपना काम निपटा के अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि शिशु भी ट्यूशन गया और लक्की और शौर्य भी स्कूल गए और बाकी दीदी तो जॉब पर गई। तो थोड़ा देर रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद दिन के खाने की तैयारी करते हैं, तो बाय। तो अभी टाइम दिन के 12 बज गए और थोड़ा बहुत 1 घंटा मैंने आराम से फ़ोन चलाया, और शिशु भी आ गया अभी ट्यूशन से, और ये रहा मेरे पीछे, और उसका कुछ काम नहीं रहता, बस ट्यूशन जाओ घर आओ और फिर गेम खेलो। तो अभी तो गेम खेल रहा है, और अब मेरा काम है दिन का खाना बनाने का। बाकी शिशु लक्की को और सौर्य को स्कूल से लेने जाएगा,
और मुझे खाना बनाना है। तो देखते हैं आज खाने में क्या बनाना है। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कढ़ी चावल बनाते, तो देखते हैं क्या बनाना है। अब यहाँ तो यही काम होगा, खाना बनाओ खाओ सफाई वगैरह। गाँव में तो ऐसा होता है कि बाहर के काम ज़्यादा होते हैं, अंदर के काम कम होते हैं। तो कुछ दिन तो आप लोगों को यही देखना पड़ेगा। आज का ब्लॉग वैसे भी डेली लाइफ स्टाइल ही ब्लॉग है यहाँ का, जो भी होता है। और बाकी कल मेरा ब्लॉग नहीं आया उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कल मैंने बोला थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लेती हूँ और मतलब नहीं बनाया मैंने ब्लॉग। मैंने बोला क्या बनाना, लेकिन आज मैंने बोला थोड़ा एक बार आप लोगों को बता ही देती हूँ। बाकी जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि यहाँ का डेली लाइफ स्टाइल क्या है। बाकी मैंने बोला थोड़ा बहुत आई हूँ तो एक ब्लॉग तो बनना ही चाहिए। और अब खाना बनाते और देखते हैं खाने में क्या बनाना है। तो खाने में मैं सोच रही थी कढ़ी चावल बनाऊंगी, तो ये कढ़ी के लिए पेस्ट वगैरह तैयार कर लिया था मैंने, और ये छाछ मैं घर से लाई थी, तो घर की छाछ का यूज़ करेंगे हम। तो कढ़ी बनाऊंगी, लेकिन तब तक यहाँ पे गैस ही ख़त्म हो गई। तो अभी थोड़ी देर पहले सिस्सू भी आ गया है ट्यूशन से, तो इसलिए अब सिलेंडर चेंज कर रहे हैं, दूसरा बदल रहे हैं। तो मैंने सिस्सू को दिया है काम, मैंने बोला इतनी हट्टी कट्टी बॉडी है जरा इसका यूज़ भी किया कर कभी, बस ये खाने के लिए थोड़ी है ना। चुपाई देखो ये मेरे लिए चुप बोल रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि इसके बस का होगा ये काम करना। तो टाइम 1:30 बज गया और आप जाके खाना पीना बन गया। बाकी शिशु शौर्य को लेने गए, तो शिशु शौर्य को लेके आएगा, लक्की शायद बाद में आएगा। शौर्य और शिशु भी आ गए। शौरी हाय हाय है लुकर। हाय, धूप लग गई? नहीं नहीं लगी। प्यास लगी है? प्यास लगी है? पानी लाऊं? पानी भी नहीं लाना? गर्मी लग गई? क्या हुआ पे? क्या हुआ? सो रहे? मैंने खाना बनाया, अब खाना खाएंगे, ठीक है? क्या खाने? खाने में बनाया कढ़ी चावल। अच्छा लगता है? नहीं बता, राजमा की दाल और भात अच्छी लगती है। अरे कल बनाएंगे राजमा की दाल, ठीक है? ठीक है, ओके डन डन। तो अब हमने खाना भी स्टार्ट कर दिया और खाने में बनी आज कढ़ी चावल। और बाकी सॉरी क्या है ये जो आप खा रहे हो? ककड़ी। तो घर से ककड़ी लाए थे हम, वो खा रहा है सॉरी ककड़ी। और बाकी सॉरी उतना बड़ा खुद नहीं है जितनी बड़ी मैंने उसे थाली दे रखी, और गर्मी की वजह से सॉरी ने बस कच्चे पहन रखे हैं ना। तो हमारी तो नहीं थी ककड़ी, लेकिन वो आके गाँव से आ रखी थी ककड़ी, तब जाके मैं ककड़ी लेके आई थी। नमक चाहिए? तो बुआ के गांव से आई थी ककड़ी, तब जाके मैंने यहाँ पहुँचाई। तो अब हो जाएंगे हमारे गांव में भी, मतलब सभी जगह। तो बुआ के गांव में तो थी ककड़ी, तब जाके बुआ ने भेज दी और तब जाके मैं यहाँ लाई थी। तो फटाफट से खाना खाते और थोड़ा बहुत ककड़ी भी खा लेते हैं, अब लाए हैं तो थोड़ा बहुत टेस्ट तो करेंगे ही सब लोग। बाकी मुझे खाना बनाना नहीं आता, अब यहाँ मजबूरी है क्या, मतलब थोड़ा बहुत सीख भी दी हूँ और अच्छे से खाना बनाना भी नहीं आता। तो मैं इन दोनों को बोली हूँ जैसा बनाओगा वैसा ही खा लेना। और इन मुझे तो नहीं लग रही इतनी गर्मी, लेकिन इन सबको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही। तो अभी टाइम शाम के 5 बज रहे और अभी मेरी तैयारी हो रही है हेमा दीदी के घर जाने की। तो अब यहाँ आई हूँ तो थोड़ा थोड़ा दिन सबके घर रहूँगी, मतलब जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं। तो अभी मैं हेमा दीदी के घर जा रही हूँ और कुछ दिन वहीं रहूँगी, 2 दिन जितने दिन भी रहूँगी आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। बाकी इन सबको बाय बोल रही हूँ, बाय, ठीक है। और सॉरी कहाँ गया? सॉरी आ रहे मौसी के साथ? वो नाराज हो गया, वो बोल रहा था मौसी अभी मत जाओ, बस बाय बोलो, नाराज होगा। कल आएगी, ठीक है? कल आऊंगी, ठीक है? कल आ जाएगी मौसी, ठीक है? नाराज हो गया, तो चलो फिर, ठीक है, बाय बाय।
रंजू दीदी के घर से अब मैं हेमा दीदी के घर में आ गई। बाकी मुझे लेने जीजा जी आए थे, उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जल्दी जल्दी में आ गए। और आज मेरे आने की खुशी में यहाँ पे जीजा जी बना रहे खाना, तो जीजा जी को इतना प्यार शाली पे है। जी जी, किस चीज की सब्जी बन रही है फिर? सब्जी तो कुछ खास नहीं है, पर आज पसंद आएगी तो कल फिर देखेंगे। कल से फिर डेली? हाँ डेली बनेगी। जब तक मैं यहाँ हूँ आप ही बनाओगे खाना, ठीक है? तो दीदी मजे है, ठीक है, जीजा जी बनाएंगे खाना। है माई, अब जिस दिन तक मैं यहाँ हूँ पापा बनाएंगे खाना, ठीक है? ठीक है ना? तो बस साली के मजे और जीजा और दीदी बनाएंगे खाना। मैं कुछ दिन जरा यहाँ पे रेस्ट करूंगी, आराम करूंगी। बाकी अभी खाना बन रहा है। तो मैंने लाना था दीदी के लिए घर से मुंगरी, ये मक्के, और दीदी दे रही है मुझे। तो दीदी की फ्रेंड लाई थी बोले घर की मुंगरी है। दीदी गढ़वाल से आई है कि कुमाऊं से? कुमाऊं से आई है। अच्छा, कुमाऊं की मुंगरी है। हाँ। मतलब आई तो पहाड़ से ही है। अच्छी हो रही है, स्वाद आ रहा है। मेरी दीदी को शर्म लगती है, पर मुझे मत दिखावा है माई। या तो सब शर्मीले ही चाहिए। तो खाना भी बन के तैयार हो गया, बाकी खाने में बनी है छोले की सब्जी और घर की लाई हुई ककड़ी और उसका रायता। और आज के सेफ थे जीजा जी, तो धन्यवाद जीजा जी। खाना बताना खा के कैसे हो रहा है? नहीं नहीं, मैंने खाया आपके हाथों का खाना पहले भी, तो मुझे पता आप टेस्टी खाना बनाते हो, है ना? बाकी रोटियां दीदी ने बनाई, आज मैं मेहमान बन के रह गई, है ना? सुनो सही हो रहा खाना? उसको गर्मी हो रही है, और उधर अभी वो गर्मी हो रही है, सबको गर्मी हो रही है। और माही उसे नहीं हो रही गर्मी, तभी उतरी से गंजी माही गर्म हो रहा था। तो फटाफट से खाना खाते और फिर थोड़ी देर में वीडियो को एंड करते हैं। तो अभी टाइम रात के 10 बज रहे और अब खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया, और अब मैंने बोला ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। बाकी खाना बहुत टेस्टी बना था, जीजा जी वैसे खाना अच्छा बनाते हैं। जब मैं पहले भी आई हूँ तो तभी मैंने उनके हाथों का खाना खाया। बाकी दीदी तो बनाती है अच्छा, और कल तक मैं खोड़ा थी, और अब कुछ दिन तक मैं गाजियाबाद आ गई हूँ, तो अब कुछ दिन यहाँ भी रहेंगे। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद। Thank you.